भारतीय क्रिकेट टीम पिछले एक दशक से टेस्ट क्रिकेट में अपना दर्जा ऊंचा करती आई है। वर्षों तक टेस्ट क्रिकेट में अव्वल स्थान पर भी रही। इसी साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल तक का सफर भी तय किया। हालांकि फाइनल में भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी। टेस्ट क्रिकेट में भारत को इतना आगे ले जाने में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मौजूदा कप्तान विराट कोहली का अहम योगदान रहा है, लेकिन इसका श्रेय दोनों कप्तानों के अलावा टीम के उन खिलाड़ियों को भी जाता है जिनकी बदौलत से भारत ने एक के बाद एक टेस्ट सीरीज जीतकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। विराट कोहली की अगुवाई में टीम से कई खिलाड़ी गायब हैं जो कभी धोनी की कप्तानी में अहम हिस्सा हुआ करते थे। आइए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में। पहले स्थान पर है भुवनेश्वर कुमार। गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में महारत हासिल करने वाले भुवनेश्वर कुमार ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में की। उस समय तीनों फॉर्मेटों का कमान धोनी के पास ही था। भुवी देखते ही देखते धोनी के विश्वसनीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए। उन्हें खुद को स्थापित करने के लिए कप्तान धोनी ने भी खूब मौके दिए। जब तक धोनी के हाथों में कप्तानी रही, भुवनेश्वर नियमित खिलाड़ी के तौर पर ही टेस्ट खेलते रहे। टेस्ट क्रिकेट से धोनी के संन्यास के बाद भुवनेश्वर कुछ समय तक तो टेस्ट में नियमित खिलाड़ी के तौर पर खेले, लेकिन कभी चोट तो कभी खराब प्रदर्शन की वजह से टीम में आते जाते रहे। भुवनेश्वर पिछले 2-3 सालों से एक भी टेस्ट नहीं खेले हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अंतिम टेस्ट साल 2018 में खेला था। यानी ये कहा जाए कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है तो कोई गलत बात नहीं होगी। हालांकि भुवनेश्वर कुमार वनडे और T20 में नजर आते हैं। दूसरे स्थान पर है शिखर धवन। क्रिकेट जगत में गब्बर के नाम से मशहूर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। टेस्ट मैच हो या वनडे या फिर T20, गब्बर का बल्ला हर जगह गरजता है। धवन पूर्व कप्तान धोनी के विश्वसनीय खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। हालांकि धोनी के बाद विराट कोहली की कप्तानी में धवन टेस्ट में अपनी जगह लगभग गवा चुके हैं। पिछले 3 सालों से वो एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, जबकि पहले वो बतौर ओपनर बल्लेबाज टेस्ट में खेल चुके हैं। वनडे और T20 में शिखर धवन का शानदार रिकॉर्ड भी है। इस लिहाज से ये कहा जाए कि टेस्ट क्रिकेट में धवन की क्षमता को नजरअंदाज किया जा रहा है तो कोई गलत बात नहीं होगी। वही तीसरा और आखिरी नाम है वरुण आरोन का। वरुण आरोन ने करियर के शुरुआती दौर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। वो टेस्ट में नियमित खिलाड़ी के तौर पर खेलने लगे थे। आरोन कई गेंदबाजों के विकल्प के रूप में भी देखे जाते थे, लेकिन अचानक से वरुण आरोन क्रिकेट से गायब हो गए। वो पिछले 6 सालों से भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने की तलाश कर रहे हैं। साल 2015 के बाद से उन्हें भारतीय टीम के लिए एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। वरुण आरोन टेस्ट के अलावा वनडे और T20 खेल से भी काफी दूर हैं। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टीम के चयनकर्ता इस गेंदबाज की क्षमता को नजरअंदाज कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल NN Sports को जरूर सब्सक्राइब करें।